चावल की चकरी से मैंने ये पकौड़े बना के रेडी किए हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और खाने में तो ये मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट कराया है और उन्होंने अच्छे से टेस्ट किया और इसका रिएक्शन भी मुझे दिया है, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये है चावल की गोल गोल चकरी या चकली, जिसे खा करके मैं बोर हो चुकी हूँ। तो आज इसके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। तो जब भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो थोड़ी से आइटम का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ताकि वो वेस्ट ना हो और अच्छा बन गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लेंगे, फिर से बना लेंगे। ये बेसन लिया है मैंने यहाँ पे, इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगानो लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बैटर, गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे हम लोग। इसमें हल्दी डालने में भूल गई थी, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और वापस से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे फटाफट से। लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। ये देखिए, ये बैटर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही परफेक्ट बैटर बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ये है प्याज की स्लाइस, बड़े साइज का प्याज लिया है मैंने यहाँ पे, और इसमें भी गोल गोल है। तो मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पे कि ऐसे चक्र जो होते हैं हमारे हाथ की फिंगर्स में भी होते हैं यहाँ पे, और हमारे पैर के तलवों में भी होते हैं। तो आप अब चेक करने मत लग जाइएगा, वीडियो देखने के बाद चेक कर लीजिएगा। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे लीजिए एक चकरी इस तरह से, और उसके ऊपर रखिए ये गोल गोल प्याज की स्लाइस, और फिर लीजिए बैटर इस तरह से, और इसमें इसको डिप करिए अच्छे से गोल गोल घुमा के। गोल गोल चकरी, गोल गोल इसको डिप करना है, पूरा अच्छे से कोट कर लेना है बैटर से। और इसके बाद इसको उठा के हम डाल देंगे गर्मा गर्म ऑयल में। ओफो, ऑयल तो अच्छे से गर्म ही नहीं है, गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और 2-3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम सारी चकरी इसमें डालेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो फिर से हम दूसरी चकरी लेंगे इस तरह से, और वापस से इस पे एक प्याज की स्लाइस रख लेंगे और वापस से इसको डिप करेंगे बैटर में, पकौड़े की तरह। यम्मी यम्मी पकौड़ा, क्रिस्पी यम्मी, वो तो बनने के बाद, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा यम्मी बना है कि फ्लॉप हुआ है। तो वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो लाइक तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए एक और चकरी डाल देते हैं। ये चकरी के जो पकौड़े बन रहे हैं उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना है। अब चलिए इनको पलट लेते हैं धीरे से। वाव, ये तो सैंडविच जैसा दिख रहा है, गोल गोल सैंडविच। आपको लग रहा है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है। वाव, अच्छा दिख रहा है। एक साइड से तो ब्राउन हो चुके हैं, दूसरे साइड से भी ब्राउन कर लेते हैं। ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। और देखिए कितने मस्त हमारे चकरी के पकौड़े बन करके तैयार हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं। अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, टेस्ट करेंगे अभी। ये देखिए, ये प्लेट मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दी है, और इनसे मैं अब अपना रिव्यू जानना चाहती हूँ कि ये चकरी के पकौड़े किस तरह के बने हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट तो यही झेलते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। वैसे पकौड़े इनको बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली इनको तो अच्छे लगेंगे ही, पर सच में ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गुड गुड। चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। यस यस। रिक्वेस्ट तो कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खाए खाए, देखा हमने, बस मिल गया, पकौड़े मिल जाए इनको, बस चालू हो जाते हैं। उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता इनको। बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी बचा देना। अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और घर में एक बार बना के जरूर टेस्ट करिए। कृष्णा भी आएगा, उसको भी टेस्ट कराना, उसके लिए भी बचा देना। जी जी, चलो चलो, बाय बाय तो बोल दो मेरे व्यूअर्स को। बाय।